सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि आपके राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 28 मई शुक्रवार आपके राशिफल के बारे में। यह समय जिनका भी बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की कृपा से आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे आपकी लव, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफ़ी अच्छे विचार दिए गए हैं, आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज 28 मई 2021 दिन शुक्रवार का रहेगा और ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि बन रही है, जो कि यह ठीक सुबह के 9:36 तक चलेगा और इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो मूल नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 8:02 तक चलेगा और इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। योग की बात करें तो साध्य नामक योग बन रही है, यह दोपहर 2:57 तक चलेगा और इसके उपरांत शुभ नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय होगा ठीक सुबह के 5:45 पर और सूर्यास्त होगा ठीक शाम के 7:02 पर, और चंद्र उदय का जो टाइमिंग्स है वो रहेगा ठीक रात्रि के 9:26 पर और चंद्रास्त होगा ठीक सुबह के 8:18 पर। सूर्य राशि रहेगा वृषभ राशि और चंद्र राशि चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगा। अर्थात आज का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो यह सुबह के 11:57 से लेकर ठीक दोपहर 12:50 तक चलेगा। अब बात करते हैं अशुभ समय यानी राहु काल की बात करें तो यह सुबह के 10:44 से लेकर ठीक दोपहर 12:24 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी तरह महत्वपूर्ण काम को आप बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। आचार्य चाणक्य की नीति ज्ञान, ये रहा आज आपके लिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, वो लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन उन्हें कभी तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उन्हीं के जबरदस्त होते हैं। ऐ जिंदगी, तुझसे हर कदम समझौता क्यों किया जाए, शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। चलिए जानते हैं अब आपकी डेली राशिफल। जी हाँ, हम आपकी डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। वृश्चिक राशि जातकों को आज हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले बता दें, आज आपका लकी नंबर यानी कि भाग्यशाली अंक जो है वह आज आपके लिए 2 रहेगा और ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है। सितारे कह रहे हैं कि आपकी शाम कई जज्बातों से घिरी रहेगी और इसलिए तनाव भी दे सकता है, हम आपको बताना चाहेंगे। लेकिन ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी खुशी आपकी निराशाओं के मुकाबले आपको ज़्यादा आनंद देगी। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे, यह बात भली भांति समझ लें कि दुख की घड़ी में
आपका संचित धन ही आपके काम आएगा। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे, इसलिए आज के दिन अपने धन का संचय करने का विचार बनाएं और अधिक से अधिक धन बचत करने की कोशिश करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा और आने वाला समय में भी आपको इसका फायदा होगा। अपने बच्चों के साथ समय बिताना खास होगा, ताज़ा फूल की तरह अपने प्यार में भी ताजगी बनाए रखें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम आपको बताना चाहेंगे, अपना रवैया ईमानदारी और स्पष्टवादी रखें, लोग आपकी दृढ़ता और क्षमताओं को सहारेंगे। दूसरों को राजी करने की आपकी प्रतिभा आपको काफ़ी फायदा पहुंचाएंगी। हम आपको बता दें, विवाहित सुख के दृष्टिकोण से आज आपको कुछ अनोखा उपहार मिल सकता है। जी हाँ, अगर आप अविवाहित हैं तो आज आपके लिए रिश्ते की बात चल सकती है। अगर आज आपके लिए उपाय की बात करें तो आपके लिए आज का सबसे अच्छा उपाय यह है, किसी भी कार्य से बाहर जाते वक्त मस्तक पर लाल टीका लगाकर जाना आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा। दोस्तों, अगर इन बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मां संतोषी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।